हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला बहुत खास, क्योंकि इस बार कितना स्कोर आपको करना है मैं ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, इस बार का स्कोर क्या होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट सुनिश्चित हो जाए और हमें MBBS मिल जाए। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही बात मैं बताने वाला हूं कि इस बार का स्कोर आपको इतना करना है। एनी हाउ जी जान लगा दीजिए और आप इतना स्कोर लेके आइएगा तो आपको MBBS की सीट 100% जो है वो आप लोग लॉक कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार का स्ट्रेटेजी आपको कैसा करना होगा और NTA ऐसा क्या इस बार जो है कट ऑफ निकालने वाली है कि जिसका फाइनली MBBS किन स्टूडेंट को मिलेगा और कितने मार्क्स लाने के बाद मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग के पास मात्र अभी 50 डेज बचा हुआ है फाइनल एग्जाम आने में, जो कि 7 मई को एग्जाम है। 50 दिन एकदम काउंट कर लीजिए, लगातार समय ऐसे गुजरते जा रहे हैं ना कि लग रहा है कि एकदम बहुत फास्ट ट्रेन के जैसे, राजधानी से भी फास्ट चले, बुलेट ट्रेन के जैसे समय चल रही है। और खास करके उनको ऐसा लग रहा होगा जो नीट के एस्पायरेंट इस बार एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इस बार के प्रिपरेशन में आप अपने तरफ से कोई भी कमियां नहीं छोड़िएगा, अगर कमी छोड़े तो फिर ये साल भी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये साल को बर्बाद ना करने के लिए आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए, अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली बनाए रहिए और कोशिश कीजिए कि जो मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ उसे 5 करूँ 6 करूँ 7 करूँ, ऐसे करके। अब ये नहीं कि एकदम दिन रात पढ़ते ही रह जाना है, वैसा भी स्थिति नहीं लाना है, क्योंकि आपके फिर ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आप अपने तरीके से देखिए कि मैं इतना एबल हूँ पढ़ने के लिए और इस बार मुझे इतना पढ़ना है। फाइनली अगर मैं इस बार बात करूँ कि मुझे सर इस बार MBBS कितने पे मिलेगा, मुझे MBBS के लिए फाइनली कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कि मुझे MBBS आसानी से मैं लॉक कर दूंगा और मुझे MBBS की सीट मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो लास्ट ईयर MBBS के सीट पे जो लास्ट जो बच्चे लोगों का एडमिशन हुआ था वो 602 मार्क्स पे हुआ था। 602 मार्क्स पे बच्चे लोगों को फाइनली उठाया गया था MBBS के लिए। तो इस बार का क्या चांसेस है, इस बार भी कंपटीशन टफ होने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी 18 लाख से ज्यादा फॉर्म गिरे थे और इस बार भी संभावना है कि मोर देन 80 लाख फॉर्म फिर से फिल होंगे। तो कंपटीशन कम होने वाला नहीं है। अब इसमें क्या करना है, अपने आप को टैलेंट बढ़ाना है। अब आपको मॉक टेस्ट के दौरान अपने टैलेंट को बढ़ाइए, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसे मिस्टेक नोटबुक में रखिए और अपने मिस्टेक्स को रिमूव कीजिए, ताकि वो फाइनल एग्जाम में आप मिस्टेक ना करें। वो मिस्टेक कीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन गलती होगा, 4 मार्क्स कटेगा। अगला का एक क्वेश्चन सही होगा, 4 मार्क्स बढ़ेगा। और वो 4 मार्क्स बढ़ने का मतलब है कि समझ जाइए कि वो 10,000, 20,000, 25,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से वो गलती ना करें। दोस्तों, ये 602 जो मार्क्स मैंने बताया, 602 मार्क्स ये जनरल कैटेगरी के लिए गया था कई जगहों पर। मेरे एक स्टूडेंट का ऑलरेडी एडमिशन हुआ था स्टेट वाइज में, स्टेट कोटा के थ्रू जो 600 मार्क्स लेके आए थे उनको मिला था GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। हार के भी कई ऐसे कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा कि ये 600 जो है बहुत ऐसे कॉलेज के द्वारा डिमांडिंग नहीं है। GMC इज द वेरी बेस्ट कॉलेज इन बेतिया, बिहार का एक जिला है वहां पे। लेकिन PMCH का कट ऑफ इस बार हाई गया था, 630 प्लस गया था। तो PMCH का जो ड्रीम देख रहे थे वो 630 पे उनका एडमिशन हुआ है। इवन मैं अगर बात करूं कि जो स्टूडेंट इस बार एम्स में एडमिशन लिए हैं तो उनका 700 प्लस पे ही एम्स में एडमिशन हुआ है। और भी जितने भी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज जो टॉप 10 में आते हैं वहां पर भी एडमिशन 700 प्लस पे ही हुआ है। तो अगर आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आपको भैया कम से कम स्कोर करना पड़ेगा 680 प्लस जरूरी है, तब आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इन कॉलेजेस में दाखिला मिल सकता है कैटेगरी वाइज के अनुसार से। अगर आपने स्कोर किया है 600 प्लस तो आप ये दावेदारी पेश कर सकते हैं, आप थोड़ा एश्योर हो सकते हैं कि मुझे MBBS मिलेगा। अगर आपका स्कोर 600 से नीचे है तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज स्टेट कोटा के थ्रू जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जनरल
STSC OBC ये सारे कैटेगरी वाइज जो होते हैं कट ऑफ का थोड़ा सा डिफरेंसेस देखा जाता है। जो सबसे ज्यादा अगर कट ऑफ किसी का कम गिरता है तो वो होते हैं ST के कैंडिडेट। फिजिकल हैंडीकैप भी का जो कट ऑफ जो जाता है वो एक तरीके से देखा जाए तो ओबीसी के लमसम में ही जाता है। आज मैं जनरल के बारे में बात करूँ तो, और ओबीसी के फिजिकल हैंडीकैप के बारे में बात करूँ तो 2-4 मार्क्स 5 मार्क्स नीचे आता है। तो देर इज नथिंग टू मच अ वेरी वास्ट डिफरेंस इन द मार्क्स गेनिंग प्रोसेस। आपको इस प्रोसेस के दौरान बस ये ध्यान में रखना है कि मुझे MBBS चाहिए स्टेट कोटा में 600 प्लस लाना है, मुझे MBBS चाहिए टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में इंडिया के, तो आपको एकदम 680 प्लस स्कोर करना है। इस स्कोरिंग के लिए आपको करना क्या है, इस स्कोरिंग के लिए आपको प्रत्येक दिन अपने मेहनत को जज करना है कि मैंने जो आज मेहनत किया है मैंने सही में इतना मेहनत मेरे लायक था, मुझे ये मार्क्स दिला सकता है। यू जज योर सेल्फ वेरी वेल। हम लोग अपने आप को ही धोखा देते हैं, किसी और को नहीं देते हैं। चाहे आप पढ़िए या ना पढ़िए, ये आप ही को प्रभावित करेगा और किसी को नहीं। हाँ, आपसे रिलेटेड आपके फैमिली हैं जो आपके बारे में बहुत सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत जल्दी अचीव करे, बहुत जल्दी एक मुकाम पे पहुँचे जो हर एक कोई के सन चाहते हैं, और उस मुकाम पे पहुँचना। अगर कोई आपके अगल बगल में ही सक्सेस हो जाए देन आपके फैमिली लोगों का और ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि वो सक्सेस हो गया, वो सक्सेस हो गया, तुम अभी क्या कर रहे हो। तो प्लीज़, सोने का समय हो गया है ख़त्म, अब समय आया है आपके पास वो कर दिखाने का जो आपको दिखाना है। वो दिखाना क्या है, आपके इस बार के एग्जामिनेशन में आपको बैंग कर देना है और कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप अपने अटेम्प्ट को दीजिए और वो गलतियाँ ना कीजिए। अगर जो ड्रॉपर है, जो जिन्होंने पिछले बार गलतियाँ की, जो ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने पिछले बार गलतियाँ की और जिस वजह से शायद उनका रिजल्ट नहीं आया, तो इस बार वो गलतियाँ ना करें। फर्स्ट अटेम्प्टर, बेस्ट ऑफ लक टू यू। इस बार के एग्जामिनेशन जो हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाले हैं क्योंकि NTA ने बहुत सारा प्री प्लान कर रखा है। फी तो NTA ने बढ़ा ही दिया है जो मैंने वीडियो में बना दिया, लेकिन NTA इस बार सेंटर को प्रिसाइज करने जा रही है। पिछले बार की तरीके से NTA गलतियाँ नहीं करी, पिछले बार कुछ सेंटरों पर बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई थी जिसके वजह से NTA को फिर से एक एग्जाम कंडक्ट करना पड़ा था NEET का, जिसको री एग्जाम बोला गया था, री NEET करके। इसके भी बारे में मैंने बहुत सारी बातें कह रखी हैं वीडियो में, तो अगर आपको वो सब वीडियो देखना है तो प्लीज़ उस वीडियो पर जाएं और देखें, और प्रीवियस में भी वीडियो में बहुत ऐसी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। तो खैर, कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत सारी बातें अभी आगे आने वाले समय में होने वाली हैं कि इस बार के टॉप 10 कॉलेजेस जो डिमांडिंग क्या है, कितना मार्क्स आएगा, ऐसे तो मैंने बता दिया, लेकिन कंप्लीट डाटा के साथ इस बार सीट जो है बिल्कुल इंक्रीज करेगा, पिछले बार जो सीट थे उससे ज़्यादा। तो सीट इंक्रीमेंट के बारे में बात होगा, कॉलेज के बारे में बात होगा, कैसे एग्जामिनेशन पैटर्न आएंगे, क्या डिफरेंसेस होगा, ये सारी बातें होंगी बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इस बार जो है मुझे कितना मार्क्स लाना है। और सबसे खास बात कि इस चैनल पे अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।